देखिए हम लोग सदन के अंदर सुबह भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया कि सरकार में बैठे मंत्री इजराइल मंसूरी जी जिस तरह से उसके परिवार को अपने गुर्गों को भेजकर धमकी दिलाए, राहुल साहनी की हत्या हुआ है और फिर उसको कह रहे हैं कि अब तुम्हारे दामाद को बेटा का हत्या के बाद दामाद की हत्या करेंगे, नहीं तो केस आपस लो। ये खुल करके जंगल राज नहीं गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं और उन्होंने आवेदन भी भेजा है, थाना में जाकर का आवेदन दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन सारा पेपर मांगे थे, सदन में ही पेपर दिया गया। उन्होंने कहा था हम संज्ञान लेंगे और हम इसको जांचेंगे, जवाब देना चाहिए सरकार को सदन में। लेकिन ये सरकार अपराधी और भ्रष्टाचारी के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई जवाब नहीं देते हैं और आसन खुलकर ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार के पक्ष में खड़े होकर आसन से कहते हैं कि आप बहिष्कार करके जाते हैं और किसके अनुमति से आते हैं। बिहार की जनता हमें चुनकर भेजी है एक मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, सदन में आने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है, नियमावली में ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार का कि जब आसन सरकार की भाषा बोलने लगे और सरकार अपराधियों भ्रष्टाचारियों के सामने नतमस्तक हो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। पूरे बिहार के अंदर दहशत का वातावरण है। आज खुल करके मंत्री कह रहा है कि सदन में मामला उठा, क्या हमारा बिगड़ा है? और उस मंत्री के गुर के अपराधियों का पूरे बिहार के हर जिले के अंदर खुलकर हत्या अपहरण लूट बलात्कार कर रहा है, बैंक डकैती हो रही है, लेकिन सरकार किसी भी विषय का न संज्ञान ले रही है और न जवाब दे रही है। आज हमारे सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी भी रोड पर खुल करके आंदोलन कर रहे हैं और किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार का मंत्री का घोषणा था, ट्वीट किए थे और मुख्यमंत्री ने कहा था कि गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए, कैबिनेट में पास होने के पहले गोपनीयता भंग किए मंत्री को हटाना चाहिए, मंत्री पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं। बिहार में अब सुशासन की बात नहीं, जंगल राज को जनता राज बताने वाले ये गुंडा राज में तब्दील कर दिए हैं और इस गुंडा राज को, जंगल राज को बीजेपी भी हटाया था, इस गुंडा राज को भी हम लोग हटाएंगे। इसीलिए सदन से हमने बहिर्गमन किया है। हमारे एक प्रतिनिधि, विधायकों के एक प्रतिनिधि डीजीपी को भी भेजे हैं सारे प्रमाण के साथ कि किस तरह से FIR का कॉपी दिया गया था और थाना ने FIR का कॉपी लेकर शाम को उसके माँ से लाश लेने के नाम पर सादे कागज पर अंगूठा लगाया और उस पर नया FIR बना दिया। उसकी माँ, उसके परिवार के लोग DSP के सामने बयान दिया। जब महाधरना हुआ तो IG के कक्ष में उसके परिवार के लोग बयान दिया, उसके बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं होना। खुल करके अपराधी मंत्री को बचा रहे हैं, सरकार को उसे बर्खास्त करनी चाहिए। मंत्री के पद पर बैठकर प्रशासन को, शासन को प्रभावित कर रहा है और जब तक वो मंत्री के पद पर रहेंगे इंसाफ उस गरीब को, राहुल साहनी अति पिछड़ा का बेटा को नहीं मिलेगा। कल उसके परिवार के साथ कोई भी घटना घटित होता है ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे सुरक्षा और मुआवजा प्रदान करे। आज के बयान नहीं।